हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, इन प्रीवियस क्लास वी हैड जस्ट कंप्लीटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, नाउ वी आर मूविंग ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. तो फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स वैलेंस शेल. कि कितने आपके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2 एंड कितना हो गया 5, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 5, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 5. तो बेसिकली वैलेंसी क्या होती है, जैसे अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो वैलेंसी क्या होगी कि इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन. मतलब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो जैसे ही गेन करेगा स्टेबल होगा, तो मतलब इसकी वैलेंसी क्या हुई, डैट इज 3. समझ आ रही है बात, ऑक्सीडेशन स्टेट में और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है, क्लियर इतनी बात. नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि आपके पास जो ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 में आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये 5 एलिमेंट बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं. तो वहां पर जो नाइट्रोजन है इसको छोड़ के, बट एक्सेप्ट द नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट शो इट्स वैलेंसी, डेट इज 3 एज वेल एज 5. समझ रहे हो, मतलब ये अपनी वैलेंसी कितनी शो करते हैं, 3 भी शो करते हैं और 5 भी, बट नाइट्रोजन कितनी शो करता है, डेट इज ओनली 3, डेट इज 3. तो यहां पर क्या आंसर डालोगे आप बेसिकली, कि जो एक्सेप्ट द नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट शो द वैलेंसी 3 एज वेल एज 5, वेयर एज नाइट्रोजन शो ओनली 3 वैलेंसी. व्हाट इज द रीजन, देखिए अगर हम बात करें कोवेलेंसी या वैलेंसी की, बेसिकली कोवेलेंसी क्या होती है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्मड बाय पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट इज नोन एज द कोवेलेंसी. और जो कोवेलेंसी में जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, इसकी कन्फिगेशन क्या है, 1s2, 2s2 एंड 2p3. बट अगर मैं फॉस्फोरस की बात करती हूँ, जैसे नाइट्रोजन की कन्फिगेशन है 1s2, 2s2, 2p3, अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँ कितना है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, यही है. तो अब वो क्या कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ क्या कर सकता है, 3 वैलेंसी शो करता है, जबकि और सारे एलिमेंट्स 3 या 5 शो कर सकते हैं. ठीक है, उनमें भी आगे एक्सेप्शन आएगी, वो हम 1 by 1 पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्यों है ऐसा, देखिए यहाँ पर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, यहाँ पर 2s2, 2p3, पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1, 2, 3, और यहाँ एस में कितने हैं, डेट इज 2. यहाँ पर बात करूँ 3s2 में कितने हैं, 2, और पी में कितने हैं 3, 1, 2 एंड 3. आई एम सेइंग कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, वही उसकी वैलेंसी है. तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3. तो ये किसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया, बेसिकली नाइट्रोजन का. तो मतलब जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी होगी, डेट इज 3. बट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, यहाँ पर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 ही दिख रहे हैं, बट यहाँ पर एक नई चीज़ क्या इंट्रोड्यूस हो रही है, 3s3p, 3p के बाद क्या आता है, एक 3d ऑर्बिटल होता है जो कि क्या होता है, वैकेंट होता है. तो उस केस में अगर ये मैं ग्राउंड स्टेट मानूँ और एक्साइटेड स्टेट को कंसिडर करूँ, ये मेरे पास 3s है, ये मेरे पास 3p है, और ये मैं क्या मान लूँ, दैट इज 3d, 3s, 3p और 3d. 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है. अब क्या होता है, जब हम इसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, क्योंकि d ऑर्बिटल खाली पड़ा है, वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है. क्लियर, जब तक ये शिफ्ट नहीं हुआ था इसकी वैलेंसी कितनी शो हो रही थी, 3. लेकिन जब ये शिफ्ट हो गया तो ये शो कर सकते हैं मैक्सिमम वैलेंसी 5. क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, 1, 2, 3, 4 और 1, 5. तो यू हैव टू राइट द आंसर, बिकॉज नाइट्रोजन हैज क्या लिखोगे, एबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, वेयर एज फॉस्फोरस हैज अ प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, सो इट कैन शो द वैलेंसी 3 एज वेल एज 5, वेयर एज नाइट्रोजन डू नॉट शो द वैलेंसी 5, बिकॉज ड्यू टू द एबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. क्लियर इतनी बात, कर लोगे. नेक्स्ट देखिए, अब
अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये तो बात होगी हमारे पास वैलेंसी की। अगर हम बात करें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, यहाँ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेसिकली हम कैसे वेरी करवाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, अगर मैं बात करती हूँ नॉर्मल, जैसे आपके पास नाइट्रोजन है 2 and 5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको एक डिफरेंस पता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम प्लस या माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वैलेंसी को हम प्लस या माइनस साइन से शो नहीं करते। तो अगर ये नाइट्रोजन क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन ले तो भी स्टेबल होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसका साइन आएगा, माइनस का, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी ये होगी। दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 5 लूज कर दे, समझ आ रही है बात। तो मतलब यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी कितनी करेगी, दैट इज -3 to +K 5, समझ आ रही है बात। इसमें प्लस के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है, उसका रीजन क्या है, ज्यादातर देखिए 1s2 2s2 2p3, जब आप इस तरीके से लिखते हो इलेक्ट्रॉन्स, ये तो क्या हो गया आपके पास बेसिकली, दैट इज सेकेंड शेल, p में कितने हैं 3, s में कितने हैं 2, तो पहले यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो ये कितने कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो किस में जाएगी, प्लस के 3 में, टोटल कितने कर सकता है, 3 + 2 5, तो कितने में चलेगी, प्लस के 5 में, ले कितना सकता है 3, तो माइनस के 3 में। तो यहां पर जो बेसिकली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, -3 + 3 और +5, वेरिएशन कितनी होगी, दैट इज -3 to +5 -3, उसमें 3 भी आएगा और 5 भी आएगा, क्लियर। अब देखिए, अब बेसिकली अगर गेन करता है तो -3 शो करेगा। फॉस्फोरस जो है बेसिकली, जैसे फॉस्फोरस ये था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, और सारे के सारे अगर हम बेसिकली एलिमेंट की बात करें तो वो +5 भी शो कर सकते हैं, समझ आ रही है बात। अब आप कहोगे कि नाइट्रोजन जो एलिमेंट है उसमें बेसिकली 5 स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखी गई है, जबकि इसको करनी तो कितनी चाहिए थी, 3 करनी चाहिए थी, क्योंकि सारे एलिमेंट्स की बात करें वेरिएशन किसमें हो रही है, -3 to +5 हो रही है, मतलब ये एलिमेंट्स इनमें से कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। तो हमें चेक करना है कि अब ऊपर से नीचे आते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, किसकी होगी, और -3 की होगी, +3 की होगी या +5 की होगी, ठीक है। तो जब बेटा हम ऊपर से नीचे आते हैं बेसिकली नाइट्रोजन टू बिस्मथ, जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसका रीजन क्या है, ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने के साथ साथ मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है, ना कि गेन करने की। तो ये जब लूज करेंगे तो गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से जब नीचे आएंगे वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, जब हम फॉस्फोरस टू बिस्मथ मूव करते हैं तो +3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, वेयर एज +5 की क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब अगर मैं बात करूं जो फॉस्फोरस है वो बेसिकली क्या शो करेगा आपको, +3 कम शो करेगा और +5 ज़्यादा शो करेगा, समझ रहे हो बात। और अगर मैं बिस्मथ की बात करूं, बिस्मथ के केस में क्या होगा आपके पास, बेसिकली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, +3 ज्यादा होगी और +5 क्या होगी, कम होगी। इवन ये +5 शो ही नहीं करेगा, समझ रहे हो, हम पढ़ेंगे अभी, +5 ये शो ही नहीं करेगा, +3 शो करेगा, ठीक है। और जब हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में क्या है, +5 ज्यादा देखने को मिलेगी, +3 कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब उसका हमने रीजन पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने के साथ साथ हमने ये रीजन तो पढ़ चुके थे कि -3 की क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट जो +5 ये शो नहीं कर पाता उसका क्या रीजन है, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझ रहे हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों, देखिए जैसे अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ और सिक्स, यहाँ पर लास्ट में कितने होंगे, 6s2 6p, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाएगा तो ये जो s इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा बाउंड होंगे, ठीक है। तो यहां से सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो पाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाएंगे, इस वजह से ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाता है, ना कि +5।
5, क्योंकि हमने पढ़ा था नट पेयर इफेक्ट में क्या होते हैं, जब आपके एस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बॉन्डिंग में टेक प्लेस नहीं करते. बॉन्डिंग में टेक प्लेस कब नहीं करेंगे, जब वो न्यूक्लियस से क्या होंगे बहुत क्लोजली हेल्ड होंगे. और क्लोजली हेल्ड क्यों होते हैं, क्योंकि ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ एलिमेंट्स. ठीक है, तो उसकी वजह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं यहां से इजिली क्या हो जाते हैं बाहर निकल जाते हैं. इसलिए ये प्लस के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जबकि और एलिमेंट क्या करते हैं बेसिकली प्लस के 5 नहीं करेगा. ठीक है, और एलिमेंट क्या शो करेंगे, प्लस के 3 और प्लस के 5. ठीक है, नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. ठीक है, बेसिकली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करेगा, प्लस के 5. जैसे N2O5 है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. निकाल के देख लो, 2x प्लस 5 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज माइनस के 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस के 10 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना गया 5. ठीक है, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन मैक्सिमम शो कितनी करता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज प्लस के 5. क्लियर है इतनी बात. हियर इज COS इज अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर, दैट इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. हाँ जी, अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ये क्वेश्चंस. नाइट्रोजन शोज अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5, बट इट डज नॉट फॉर्म द 5 बॉन्ड्स, व्हाई. क्वेश्चन समझ आ रहा है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पड़ी है अभी हमने पीछे 5 पड़ी है, बट ये कभी 5 बॉन्ड नहीं बना पाता, उसका क्या रीजन है. क्वेश्चन समझ आ रहा है भाई, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है तो 5 बॉन्ड बना देने चाहिए, बट वो 5 बॉन्ड नहीं बना पाता, उसका रीजन क्या है, आंसर क्या है, ड्यू टू इट्स कोवेलेंसी. कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, क्लियर. अब अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, s में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और p में कितने पड़े हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं. समझ आ रही बात, तो मतलब ये क्या है बेसिकली, 3 ही बॉन्ड बना पाएगा. समझ आ रही बात, बट जब अगर सपोज मैं इसको नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती हूं, तो 3 बॉन्ड ये इसी तरीके से बनाएगा ना, ये क्या हो गए लॉन पेयर, और ये 3 किस में हो गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक प्लेस नहीं करते वो क्या हो जाते हैं लोन पेयर. अब आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है कि जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की. अगर यहां पर कोई और हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 3, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, अगर किसी की नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं तो वो क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है. अगर कोई हाइड्रोजन पड़ा है और इसने इसको डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली, दैट इज NH4 पॉजिटिव. भाई इसके पास अगर कमी है H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इसको अपना डोनेट कर सकता है, डोनेट करके क्या बना देगा NH4 पॉजिटिव. तो मतलब कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 1, 2, 3 और 1, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी, 4. समझ आ रही है बात, और मिनिमम कितनी होगी, 3. तो इट मीन्स क्योंकि इसकी कोवेलेंसी इतनी है, इसकी वजह से ये क्या है बेसिकली 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता. ठीक है, ड्यू टू इट्स कोवेलेंसी. क्लियर है, आ रही है बात समझ, कर लोगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर. नेक्स्ट क्या है, फॉस्फोरस फॉर्म द पेंटाहेलाइड्स वेयर इज नाइट्रोजन डू नॉट. पेंटाहेलाइड, हेलाइड का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास ये नाइट्रोजन है और ये क्या है फॉस्फोरस है. ठीक है, हेलोजन, हेलाइड का मतलब क्या है, कोई हेलोजन ने रिएक्ट करना है. तो जैसे कि मैंने सपोज मैं बोल रही हूँ कि मैंने कोई हेलोजन क्लोरीन ले लिया, ठीक है, तो फॉस्फोरस फॉर्म द पेंटाहेलाइड, मतलब पेंटाहेलाइड मतलब Cl कितने होंगे, 5, और नाइट्रोजन दैट इज NCl 5. तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉस्फोरस तो फॉर्म करता है पेंटाहेलाइड, वेयर एज नाइट्रोजन फॉर्म नहीं करता, उसका रीजन क्या आएगा, बिकॉज इट हैज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा था 1s2 2s2 2p3, दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. यहां पर अगर मैं 2s का बनाती हूँ और यहां पर 2p का ऑर्बिटल बनाती हूँ, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में कितने हैं, 3. When I will draw the orbital of phosphorus, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. तो यहाँ पर 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और 3p में कितने हैं, 3. But here d orbital is vacant. 3p के बाद क्या आता है,
3D. So here is the vacant d orbital is present. So electron will jump from s orbital to d orbital, that is 3D, that is 3p. तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहां जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल? पांच. तो पांच ही क्लोरीन है, एक क्लोरीन इससे, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इससे रिएक्टर लगा के क्या बना देंगे? PCl5. That is the reason कि फॉस्फोरस has a vacant d orbital, so it can form the phosphorus pentahalide, whereas nitrogen has no vacant d orbital, so it cannot form the pentahalide. क्लियर है? कर लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्वेश्चंस अगर इस तरीके से आते हैं? चलो बेटा, यहाँ पर हमारा ये ऑक्सीडेशन स्टेट का लेक्चर फिनिश होता है. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. इन मीन टाइम बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क. ओके, थैंक यू.